ओके गाइस, सो अभी तक हमने दो तरह का एस वी एम फॉर्मुलेशन देखा, द हार्ड मार्जिन एस वी एम एंड द सॉफ्ट मार्जिन एस वी एम. नाउ व्हाट विल डू इज विल टेक अ डेटा सेट एंड विल सी कोड करके कि एग्जैक्टली पूरा चीज़ काम कैसे कर रहा है. ठीक है, सो आई विल शेयर माई स्क्रीन. या सो जस्ट मैक्सिमाइज दिस विंडो, जस्ट वन सेकेंड. या एंड आई ऑल्सो हाइड दिस floating panel. Yeah, so guys, I have already created a notebook. So over here we have just imported the libraries. और फिर मैंने क्या किया है, sklearn.dataset से एक blob generate किया है, basically एक data set generate किया है जो perfectly linearly separable. You can see these are the blue points and these are the green points, and you can see these are like perfectly linearly separable. You can draw lines which will separate them, right? सो अब हमने क्या किया, हमने sklearn.svm मॉड्यूल से अपना svc क्लास को इंपोर्ट किया, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, और फिर हमने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और वहाँ पे c का वैल्यू हमने इस पॉइंट पे 1 रखा है. ठीक है, c का वैल्यू वहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहता है. और कर्नल बोल के एक चीज़ होता है, हमने अभी तक कर्नल्स के बारे में नहीं पढ़ा है, हम लोग कर्नल्स के बारे में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ ऐसा समझ लो कि वी आर गोइंग टू यूज द लीनियर कर्नल जिसके ऊपर हमने अभी तक काम किया है. ठीक है, नॉन लीनियर डेटा के ऊपर भी एस वी एम काम करता है और उसके लिए अलग अलग कर्नल्स होते हैं, बट फॉर नाउ वी आर स्टिकिंग विद द लीनियर कर्नल. एंड हमने उस मॉडल को ट्रेन करा दिया अपने एक्स और वाई पे जो हमारा डेटा था ऊपर, और फिर मैंने एक फंक्शन बनाया है जो बेसिकली आपको प्लॉट करके दिखाता है कि आपका अकॉर्डिंग टू योर एस वी एम आपका बेस्ट फिट लाइन कौन सा है. एंड यू कैन सी ये रहा मेरा बेस्ट फिट लाइन, और यू कैन ऑल्सो सी द मार्जिन दैट यू आर गेटिंग, एंड यू कैन ऑल्सो सी द सपोर्ट वैक्टर्स. ये देखो, ये दो जो ब्लू पॉइंट्स हैं और ये दो जो ग्रीन पॉइंट्स हैं, दीज आर योर सपोर्ट वैक्टर्स जिसको यूज करके एस वी एम ने अपना लाइन क्रिएट किया. ठीक है, इनफैक्ट आई विल शो यू कि सपोर्ट वैक्टर्स का एक्चुअल इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा होता है. सो मैंने क्या किया, मैंने सेम डेटा सेट में अभी जैसे 60 पॉइंट्स हैं, आई गेस 60 पॉइंट्स ही थे, देर आर 50 पॉइंट्स. सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पॉइंट्स को थोड़ा बढ़ाया है और मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं, लाइक दो सैम्पल्स लिए हैं, वन फॉर 60 पॉइंट्स एंड वन फॉर 120 पॉइंट्स. ठीक है, और ये करने के बाद भी यू कैन सी कि आपके मॉडल में कोई चेंजेस नहीं आए. ये देखो, पहला वाला इज एनिजिबल टू 60, देर आर 60 पॉइंट्स एंड देर इज दिस इज द मॉडल, एंड जब आपका 120 पॉइंट्स था तब भी मॉडल सेम है, हमने बस सपोर्ट वेक्टर्स को सेम रखा और पॉइंट्स बढ़ाए. तो यू कैन सी कि सपोर्ट वेक्टर्स आर दैट मच इम्पॉर्टेंट, राइट? मतलब आप अगर पॉइंट्स बढ़ा भी रहे हो तो भी एस वी एम पूरा का पूरा डिपेंड करता है सिर्फ सपोर्ट वेक्टर्स के ऊपर, अपने फॉर्मुलेशन के लिए, अपने वर्किंग के लिए. ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर आप सपोर्ट वेक्टर को छोड़ के बढ़ा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, मॉडल फिर भी सेम बिहेव करेगा, और दिस इज वन ऑफ द पावर्स ऑफ एस वी एम. ठीक है, कि वो इस तरीके से इनसेंसिटिव है बाकी पॉइंट्स के लिए, लेकिन बहुत सेंसिटिव है टुवर्ड्स सपोर्ट वेक्टर्स. ठीक है, तो ये मैंने बस एक एड ऑन पॉइंट दिखाया आपको. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज अ ऑलमोस्ट लीनियरली सेपरेबल डेटा सेट. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हमारे पास एक डेटा सेट है जो परफेक्टली लीनियर नहीं है, ऑलमोस्ट लीनियर है. सो कुछ ब्लू पॉइंट्स ग्रीन पॉइंट्स के ऊपर आ रहे हैं और कुछ ग्रीन पॉइंट्स ब्लू रीजन में जा रहे हैं. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम दोनों के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर केस के लिए हम दो अलग अलग बार एस वी एम वाले एल्गोरिदम को ट्रेन करेंगे. एक बार हम लोग सी का वैल्यू रखेंगे 10 और एक बार हम लोग सी का वैल्यू रखेंगे 0.1. ठीक है, सो यू ऑलरेडी नो कि सपोर्ट वेक्टर मशीन्स में आपका जो एरर फंक्शन होता है, जो कॉस्ट फंक्शन होता है, उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं. सो देयर इज दिस मार्जिन एरर एंड देन देयर इज क्लासिफिकेशन एरर. और आप क्लासिफिकेशन एरर का कितना से होगा ये कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग द सी हाइपर पैरामीटर. ठीक है, वही मैंने यहाँ पे किया है. सी का वैल्यू एक बार ज़्यादा रखा है और एक बार बहुत कम रखा है. ठीक है, एंड यू कैन सी कि जब सी का वैल्यू बहुत ज़्यादा था, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो क्लासिफिकेशन एरर को, और आप बोल रहे हो कि क्लासिफिकेशन एरर को रिड्यूस करो इवन इफ मार्जिन ज़्यादा नहीं है. एंड यू कैन सी, और उसकी वजह से जो आपका ये लाइन आपको मिला, इसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं है बट ये ऑलमोस्ट परफेक्टली क्लासीफाई कर रहा है सारे पॉइंट्स को. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट? एंड ऑन द अदर हैंड, इफ यू सी द सेकेंड केस जहाँ पे आपने सी का वैल्यू को 0.1 करके ये बोला अपने एल्गोरिदम को कि तुमको टेंशन नहीं लेना है क्लासीफाई करने का, तुमको जस्ट मेक श्योर करना है कि मार्जिन ज़्यादा हो. नॉट एग्जैक्टली, मतलब दोनों पे फोकस रहेगा बट ज़्यादा फोकस तुमको मार्जिन पे डालना है इस बार. तो यू कैन सी कि मार्जिन बढ़ गया
बट कुछ एरर्स अब आने लग गए सिस्टम में, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट अभी भी अगर आप मेन लाइन को देखो तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, लेट्स ऐड लेट्स से 100 एंड लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा टाइम लगेगा और ओके, हमने सिर्फ दो के लिए ही किया। एक काम करते हैं, इसको 100 कर देते हैं और इसको 0.01 कर देते हैं, ठीक है। और लेट्स सी अभी क्या होता है। या यू कैन सी अब थोड़े से मिसक्लासिफिकेशंस होने लग गए। देखो ये ब्लू वाला पॉइंट ग्रीन रीजन में आ रहा है और अभी भी कोई ग्रीन पॉइंट ब्लू रीजन में नहीं जा रहा है, बट यू कैन सी मार्जिन और बढ़ गया और इस केस में और श्रिंक कर गया, ठीक है, 100 वाले केस में। तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला कोड यूज़ करके आप थोड़ा सा सी के वैल्यूज़ को चेंज करके देख सकते हो और इवेंचुअली जब आपको एक प्रॉपर डेटा सेट मिलेगा तो आपको वहाँ पे ग्रिड सर्च सी वी लगा करके या रैंडम सर्च सी वी लगा करके द बेस्ट वैल्यू ऑफ सी आपको फाइंड करना है और वही मॉडल आपका बेस्ट परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो द होल आइडिया वॉज टू शो यू प्रैक्टिकली जो भी हमने डिस्कस किया थ्योरी में। आई होप आपको समझ में आ गया ये वाला चीज़। नाउ योर नेक्स्ट टास्क शुड बी टू वर्क ऑन सम रियल लाइफ डेटा सेट टू अप्लाई दिस नॉलेज, ओके। So that's it for the video guys. Thanks for watching.